लंबे हाथ वाली गरीब सास ने किया अमीर बहू का गृह प्रवेश। हे भगवान, कितना काम करना पड़ता है घर में। मैं दिन रात काम करती रहती हूँ, लेकिन मेरा निकम्मा बेटा मेरी कोई मदद नहीं करवाता। अरे गोविंद, अरे कहाँ है तू? जल्दी से यहाँ पर आ, जरा उस टोकरी को उठाकर देना। गोविंद अपनी माँ की आवाज को सुनकर अनसुना कर देता है और अपने फोन में लगा रहता है। हे भगवान, काश मेरे हाथ लंबे होते तो मैं ये अपने आप ही उठा लेती, लेकिन इन आजकल के बच्चों का कुछ नहीं हो सकता। इन्हें तो इनके माता पिता भी दिखाई नहीं देते। कब से अपने बेटे को आवाज लगा रही हूँ, लेकिन मजाल है कि वो मेरी तरफ देख भी ले। पूरी आंखें फोन के अंदर गड़ा कर देख रहा है। पूनम अपने बेटे से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी और वो हर रोज उसे किसी ना किसी बात पर डांटा ही करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे रात को उसके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, जिसके चलते वो अपने बेटे को आवाज लगाती है। गोविंद बेटा, अरे मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। अरे मैं बुढ़िया हो चुकी हूँ, कम से कम अपनी माँ का थोड़ा तो ख्याल रखा कर। चल मेरे हाथ पैर दबा दे, थोड़ी सी मालिश कर दे। आपको तो कोई ना कोई हमेशा बहाना ही चाहिए होता है मुझसे मालिश करवाने का। मैं तो थक ही गया हूँ, जब देखो आपकी मालिश ही करता रहता हूँ। अरे बेटा, तुझे इतना पाल पोस कर बड़ा करा है मैंने। बचपन में तेरी इतनी सेवा की थी, इतनी मालिश की थी, अब उस सेवा का कुछ तो परिणाम मुझे मिलना चाहिए। और वैसे भी इंसान का बचपन और बुढ़ापा एक जैसा होता है, जिसमें पहले माता पिता बच्चों को बड़ा करते हैं और फिर आखिरी में बूढ़े होने पर उनके बच्चे उन्हें संभालते हैं। अब तू हमें नहीं संभालेगा तो कौन संभालेगा? अपनी माँ की बातें सुनकर गोविंद कहता है। ऐसी बातें करने की आपको कोई जरूरत नहीं थी। लाओ माँ, मैं आपके हाथ पैर दबा देता हूँ। मैं तो ये चाहती हूँ कि जल्दी से तेरी शादी हो जाए, इस घर में बहू आ जाए। बहू आ जाएगी तो इस घर की जिम्मेदारियों को समझ लेगी, और तो और मुझे थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। लड़की को पटने तो देती नहीं हूँ आप, और कहती रहती हो इस घर में बहू आ जाए। भला ऐसे कैसे आ जाएगी जब तक मैं लड़की को मनाऊंगा नहीं। क्या कहा तूने? मुझे कुछ समझ नहीं आया, कहना क्या चाहता है? ओहो माँ, कुछ नहीं, आपको मेरी बातें समझ नहीं आने वाली। चलिए आप अब आराम कर लीजिए, मैंने आपके हाथ पैरों की मालिश कर दी है। गोविंद फिर से अपना फोन उठाकर अपने बिस्तर पर चला जाता है और किसी लड़की से चैटिंग करता रहता है। वहीं अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, पूनम नींद से जागती है और उठकर घर के धीरे धीरे काम करने लगती है। उम्र होने की वजह से उसे घर के काम करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। वहीं दूसरी तरफ उसे खेतों पर जाकर खेती बाड़ी का काम भी करना होता है। वो अपने बेटे के लिए खाना बनाती है और अपना खाना बांधकर खेतों पर ले जा रही होती है। खेतों पर काम करने के बाद वो थोड़ी देर बैठकर आराम करने लगती है, जिसके बाद वह खाना खाने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत बूढ़ी औरत आ जाती है, जो उसे देखकर कहती है, अरे बेटी, अगर तेरे पास खाने के लिए कुछ है तो मुझे दे दे। कई दिनों से मैं बहुत ज्यादा भूखी हूँ, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है जिससे मैं खाना खरीद कर खा सकूं। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी मदद कर बेटी। पूनम को उस बुढ़िया के ऊपर बहुत ज्यादा तरस आ जाता है, जिसके चलते वो उस बूढ़ी औरत को अपने हिस्से का सारा खाना दे देती है। वह बूढ़ी औरत सारा खाना खा लेती है, जिसके बाद बूढ़ी औरत पूनम से पूछती है, क्या बात है, तुम बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही हो, सब कुछ ठीक तो है ना? क्या बताऊं अम्मा, अब तुम्हें देख रही हो ना, मेरी उम्र भी होती जा रही है, लेकिन मेरा नालायक बेटा मेरी एक नहीं सुनता। ऊपर से मैं उसकी शादी कैसे करूं? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं उसकी शादी कर सकूं। ये सुनने के बाद बूढ़ी औरत अचानक से देवी के रूप में बदल जाती है और कहती है, मैं यहाँ तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी, देखना चाहती थी कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है और तुम इस परीक्षा में पास हो गई हो। जिन हाथों से तुमने मुझे अपना खाना खिलाया, अब से तुम उन हाथों से कोई भी काम कर सकती हो। जब भी तुम कोई काम करोगी तो तुम्हारे हाथ अपने आप लंबे हो जाएंगे, ये मैं तुम्हें वरदान देती हूँ।
देवी के इतना कहते ही उसके हाथ से रोशनी निकलती है जो सीधा पूनम के हाथों पर जाकर गिरती है, जिसके बाद देवी वहां से गायब हो जाती है। जब पूनम वापस घर लौट कर आती है तो वो अपने घर के काम करने लगती है। वह किसी भी काम को करती तो उसके हाथ अपने आप लंबे हो जाते और काम भी आसानी से हो जाता और उसे जरा भी थकावट नहीं लगती। अरे वाह, ये तो चमत्कार ही हो गया, मेरे हाथ इतने लंबे हो जाते हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। शायद ये सब देवी माँ के वरदान की वजह से है। देवी माँ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। पूनम बहुत खुश थी। तभी उसका बेटा गोविंद एक अमीर लड़की से शादी करके उसे घर ले आता है। चलो अनाया, मेरी माँ के पैर छू लो। What rubbish! इस जमाने में पैर कौन छूता है? देखो, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी, मुझे ये बताओ कि मेरा कमरा कहाँ है। अनाया का ये बर्ताव देखकर पूनम को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती, जिसके बाद वो घर के सारे काम कर लेती है और शाम का खाना भी बना लेती है। खाना तैयार होने के बाद वह अपनी बहू से कहती है, चलो बहू आ जाओ, खाना खा लो। मुझे आए हुए अभी थोड़ी देर ही हुई है और अभी तक घर में कुछ भी नहीं था, मेरी सास ने इतनी जल्दी खाना भी बना लिया, बड़ी अजीब बात है। अनाया को पहले दिन से ही अपनी सास पर थोड़ा सा शक होने लगता है। इसी के चलते शादी के बाद वह घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती, सारा दिन वो अपने बिस्तर पर आराम ही करती रहती है। लगता है बहू ने घर में एक भी काम नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, अब भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया है तो मैं उसे क्यों ही परेशान करूं, मैं खुद ही सारा काम कर लूंगी। पूनम जैसे जैसे घर के काम करने लगती है उसके हाथ अपने आप बड़े हो जाते हैं। वो एक ही जगह खड़े होकर कई सारे काम ऐसे ही कर लेती है, जिसके बाद उसे जरा भी थकावट नहीं होती। तभी कमरे से बाहर निकलते हुए ये नजारा अनाया देख लेती है। बाप रे बाप, मेरी ये गरीब सास के हाथों को क्या हो रहा है जो काम करते करते अपने आप ही बड़े होते जा रहे हैं? जरूर इसके पीछे कोई ना कोई तो राज होगा ही, मुझे इसके बारे में अपनी सास से पूछना चाहिए। अनाया अपनी सास के पास जाती है और उनसे उनके हाथों के राज के बारे में पूछती है। तभी वहां पर गोविंद भी आ जाता है और अनाया के पूछे हुए अटपटे सवाल के लिए उससे कहता है, क्या हो गया है तुम्हें? ये तुम कैसी बातें कर रही हो मेरी माँ से? भला उनके हाथ इतने लंबे कैसे हो जाएंगे? नहीं गोविंद, बहू बिल्कुल सही कह रही है, मेरे हाथ काम करते वक्त अपने आप लंबे हो जाते हैं, ये देखो। तभी पूनम अपने हाथों से पंखा साफ करके दिखाती है, पंखे तक पूनम के हाथ अपने आप पहुंच जाते हैं। ये देख गोविंद हैरान हो जाता है, जिसके बाद पूनम अपने हाथों के राज के बारे में अपनी बहू और अपने बेटे को सब कुछ बता देती है। फिर तब से ही मेरे हाथ काम करते हुए लंबे हो जाते हैं। अरे वाह माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तो आप अपने हाथों की मदद से कुछ भी कर सकती हो। एक तो आप इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हो, मैं तो कहती हूँ अपने गाँव में आप कोई अच्छी सी स्वीट मिठाई की दुकान खोल लो, लोग आपके हाथों की जब मिठाइयाँ खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे, इसी के चलते घर के हालात भी ठीक हो जाएंगे। अपनी अमीर बहू का सुझाव पूनम को पसंद आता है, जिसके बाद वो कुछ पैसे उधार लेकर गांव में एक कॉर्नर पर स्वीट की दुकान खोल लेती है। उसके हाथों के स्वाद की वजह से गांव का हर एक आदमी उसी की दुकान पर मिठाई लेने आता है, जिसके चलते उसकी दुकान बहुत जोर शोर से चलने लगती है और वो अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है और उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अब वह सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। रोहन अपनी कार में तेज रफ्तार चला रहा था। ये बॉस भी ना, जब से मैं नौकरी पर लगा हूँ मेरे बॉस ने तो मेरा जीना ही मुश्किल कर रखा है। अब सेवड़ गांव में पता नहीं कौन सी बीमार महिला का इलाज करवाने पर तुले हैं बॉस। तभी थोड़ी दूर पर जाते ही अचानक रोहन एक लड़की को कार से उड़ा देता है। इस घटना में उस लड़की को काफी चोट लग जाती है और उस लड़की के हाथ की सारी दवाइयों की बोतल सड़क पर गिरकर फूट जाती है। उस लड़की का नाम कोमल था। मेरी माँ की दवाइयाँ। तभी रोहन कार से बाहर आता है। अंधी हो क्या, दिखाई नहीं देता तुम्हें कि कार आ रही है? चल साइड में हट यहाँ से। इतनी मेहनत से एक एक पैसा जमा करके मैंने अपनी माँ की दवाई ली थी, अब कहाँ से लाऊं मैं दवाई? रोहन कार लेकर वहां से चला जाता है। इधर कोमल के शरीर पर काफी चोट लग चुकी थी, वो रोते रोते वहां से चली जाती है। इधर रोहन एक छोटे से घर में आता है, जहां घर में चारपाई पर एक बीमार बूढ़ी महिला दामिनी
जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। दामिनी भयानक बीमारी का शिकार बन चुकी थी। वो सालों से अपने घर में एक जिंदा लाश की तरह जी रही थी। तभी रोहन दामिनी से कहता है, माँ जी, मुझे अपनी कंपनी की ओर से आपके पास भेजा गया है, बताइए क्या समस्या है आपको। रोहन दामिनी को हाथ लगाकर हिलाता है। दामिनी मर चुकी है। ये देखकर रोहन के होश उड़ जाते हैं। तभी वहां वही कोमल नाम की लड़की आती है, जिसे रोहन ने अपनी कार से उड़ाया था। कोमल दामिनी की बेटी थी। अपनी माँ की मौत देखकर कोमल बहुत रोने लगती है। ये देखकर रोहन दामिनी की अंतिम विदाई का सारा खर्च अपने पास से करता है। रात का समय कोमल अपने घर में बैठी रो रही थी। माफ करना, मैं आपकी माँ को ही देखने आ रहा था और तभी जल्दबाजी में मैंने आपको अपनी कार से उड़ा दिया और उल्टा आप पर ही गुस्सा हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, मेरी माँ सालों से बीमार एक जिंदा लाश की तरह जी रही थी। मेरे पिता आपकी कंपनी में नौकरी करते थे। उनके जाने के बाद हमारी परिस्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। घर में खाने को खाना नहीं था। माँ के इलाज और दवाई के लिए पैसे नहीं थे। मैं रोज आपकी कंपनी में आती थी और अपने पिता का बचा हुआ पैसा मांगती थी, पर वहाँ मेरी बात कोई नहीं सुनता था। इसीलिए मैं इसी गांव में मेहनत मजदूरी करके पाई पाई जमा करती थी और अपनी माँ की दवाई लाती थी। कोमल की बातें सुनकर रोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब आप क्या करोगे, आपकी माँ भी नहीं रही। अब एक माँ ही थी जिसे देखकर मैं जी रही थी। माँ के जाने के बाद तो मेरा जीवन ही खत्म हो चुका है। मैं एकदम अकेली हो चुकी हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपसे शादी करूंगा। आपने अपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं ना, अब मैं आपके जीवन में इतनी खुशियां ले आऊंगा कि आप अपने बीते सारे गमों को भुला दोगी। रोहन उसी समय कोमल से शादी कर लेता है और उसे अपने बड़े से घर में ले आता है। कोमल और रोहन को शादी के बंधन में बंधा देखकर रोहन के अमीर परिवार वाले दंग रह जाते हैं। रोहन के परिवार में उसके माता पिता दर्पण सुजाता और भाई भाभी अजीत और पायल थे। पायल एक अमीर परिवार की बिटिया थी। रोहन, ये गरीब लड़की कौन है? माँ, ये कोमल है, मैंने कोमल से शादी कर ली है। क्या, हमें बिना बताए आपने शादी कर ली? देवर जी, भाभी, हालात ऐसे हो चुके थे कि सब कुछ जल्दबाजी में हो गया। तभी रोहन कोमल के दुख भरे जीवन के बारे में अपने परिवार वालों को सारी बात विस्तार से बताता है। रोहन की जिद देखकर परिवार वाले कोमल को स्वीकार तो कर लेते हैं, पर उसे हिरकत भरी नजरों से देखने लगते हैं, खासकर सुजाता। अब जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता। शायद इसी गरीब का आना लिखा था इस घर में। पायल बहू, कोमल बहू को इस घर के काम और यहाँ के तौर तरीके सिखा दो। अब यही देखना बाकी था, अब भिखारी भी इस घर की बहू कहलाएगी। तभी पायल कोमल को घर के सारे काम बताती है और उस दिन से पायल सारे काम कोमल से ही करवाने लगी। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। 2 महीने बाद कोमल और पायल दोनों एक साथ गर्भवती हो जाते हैं। दोनों बहू की खुशखबरी सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। रात का समय, सुजाता, हमारी दोनों बहुओं की खुशखबरी एक साथ आई है। देखा तुमने, कोमल बहू के इस घर में कदम पड़ते ही पायल बहू जो सालों से संतान के लिए तरस रही थी, आज उसे भी संतान की खुशियां मिल गई। वाह कोमल बहू, तू तो इस घर में खुशियां ही ले आई। बस बस, इसमें इस गरीब कोमल का कोई कमाल नहीं है। पायल बहू, मेरी बात ध्यान से सुन। अब से तुझे अपना खास ख्याल रखना है। तुझे सारा दिन आराम करना है, घर का काम ये कोमल देख लेगी। माँ, भाभी की तरह कोमल भी तो गर्भवती है ना, कोमल को भी इस हालात में आराम करना चाहिए। तू अपने काम पर ध्यान दे, तू हम महिलाओं के बीच में बोलने की कोशिश भी मत कर, समझा ना। रोहन, ये देख लेंगे इनका क्या है। अगले दिन सवेरे रोहन कार में बैठकर अपने काम पर जाने लगता है। तभी रोहन के साथ एक सड़क दुर्घटना हो जाती है जिसमें रोहन की मौत हो जाती है। रोहन की मौत के बाद परिवार में एकदम से मातम छा गया। 2 दिन सबके बड़े दुख भरे बीते। एक दिन सवेरे, ये सब क्या हो गया रोहन, आप क्यों मुझे छोड़कर चले गए? ये सब तेरी वजह से हुआ है मनहूस। कोमल, तू ही देवर जी के जीवन में तबाही बनकर आई है। तू मनहूस है, तेरे और तेरे बच्चे ने ही देवर जी की जान ले ली है।
जेठानी जी आप ये क्या बोल रहे हो? सही कह रही है पायल बहू, कोमल तुम्हारे घर में बर्बादी बनकर आई है, और तुझसे भी ज्यादा मनु से ये तेरा बच्चा जिसने दुनिया में आने से पहले अपने पिता को खा लिया। मेरे बेटे की मौत की जिम्मेदार केवल तू है कोमल, तू, तेरी वजह से मेरा बेटा मरा है। मैं तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगी अब। सुजाता गुस्से में कोमल का हाथ पकड़ती है और उसे अपने घर के बाहर बने एक छोटे से झोपड़े में लाती है। आज से तू इस झोपड़े में रहेगी मनुष का इनकी, अब चाहे तू यहाँ मरे या जिंदा रहे हमें कोई परवाह नहीं, तो जैसी मनुष का साया भी मैं अब पायल बहू और उसके बच्चे पर पड़ने नहीं दूंगी। माँ जी ऐसा मत कीजिए, मुझ पे ना सही, मेरे होने वाले बच्चे पर तो रहम कीजिए माँ जी। सुजाता वहां से चली जाती है। ये देखकर कोमल बहुत रोने लगती है। देखते ही देखते कई महीने बीत जाते हैं। कोमल उसी झोपड़े में रहने लगी और गांव में भीख मांग कर अपना पेट भरने लगी। और इधर सुजाता अपनी गर्भवती बहू का बड़े अच्छे से ख्याल रखने लगी। उसका बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इलाज हो रहा था और अपनी विधवा बहू कोमल को झांक कर भी नहीं देखती। इस समय कोमल और पायल की गर्भवती का नवा महीना चल रहा था। एक दिन रात में अचानक कोमल के पेट में तेज दर्द होने लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे सुजाता, सुजाता देख, कोमल बहू बहुत जोर जोर से चिल्ला रही है, कहीं उसके पेट में दर्द तो नहीं हो रहा है? अरे चलना, हम कोमल बहू को दिखाते हैं, बेचारी अकेली है उस झोपड़े में। अरे मर जाए वो मनुष्य कोमल, मुझे कोई परवाह नहीं, चिल्लाने दीजिए उसे। कोमल की दर्द भरी आवाज सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पर घर में से एक भी कोमल के पास नहीं जाता। कोमल को लेबर पेन होना शुरू हो गया था। मेरी तरह कोमल भी गर्भवती है, लगता है उसे लेबर पेन शुरू हो गया। उस बेचारी को तो बहुत दर्द हो रहा होगा, उसकी तकलीफ मैं समझ सकती हूँ। नहीं, मुझे कोमल की मदद करनी चाहिए। तभी पायल गर्भवती हालत में ही कोमल के पास आती है और उसे जैसे तैसे करके हॉस्पिटल ले आती है, जहाँ कोमल एक लड़के को जन्म देती है और लड़के के पैदा होते ही कोमल की मौत हो जाती है। ये देखकर पायल और सब दंग रह जाते हैं। तभी पायल कोमल के बच्चे को अपने गोद में लेकर सुजाता के हाथ में लाकर दे देती है। लीजिए माँ जी, उस गरीब कोमल ने आपसे आपका बेटा छीना था ना, आज उसने आपको आपके बेटे के रूप में आपका रोहन लौटा दिया। देखिए, देवर जी का बेटा पूरा देवर जी की तरह है। माँ जी कल तक मैं भी कोमल को गलत समझती थी, पर वो सही थी माँ जी। अगर वो सच में मनहूस होती ना, तो आज आपके हाथ में आपके बेटे की औलाद ना होती। देवर जी की मौत एक हादसा था, उसमें कोमल की कोई गलती नहीं थी। अफसोस तो मुझे इस बात का हो रहा है कि बेचारी कोमल ने जिंदगी भर कभी खुशी नहीं देखी। कोमल देवर जी की मौत की जिम्मेदार नहीं थी। अब मैं लोगों से कहूंगी कि कोमल की मौत की जिम्मेदार आप हैं माँ जी, आप ही की वजह से आज एक मासूम बच्चे से उसकी माँ हमेशा के लिए दूर हो गई। ये सुनकर सुजाता रोने लगती है। तभी सब मिलकर सुजाता को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। चलो पायल बहू, आज के बाद हमारा सुजाता से कोई रिश्ता नहीं। तभी सुजाता सबसे रो रो कर माफी मांगती है, पर अब पछताने से क्या फायदा। इसीलिए कहते हैं, जल्दबाजी और गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा तकलीफ देते हैं।